सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, संयोजक साकेत मुक्ति आंदोलन उत्तर प्रदेश भारत। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या प्रकरण पर आज पूरा देश जन आंदोलन के लिए तैयार है। मेरे पास खबरें आ रही हैं, मैसेज आ रहा है कि आप निर्णय लें और हम जन आंदोलन करेंगे। लेकिन आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है अघोषित कर्फ्यू लॉकडाउन की। आज हम किसी भी तरह के निर्णय को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें इंतजार करना पड़ेगा, जैसे ही देश भारत से लॉकडाउन हटता है, देश भारत के सभी बौद्ध बाबा साहब के अनुयायी हम लोगों को अयोध्या की तरफ कूच करना पड़ेगा। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि हम लोगों को संविधान के दायरे में रहकर प्रशासनिक कार्रवाइयों को पहले पूरा करना है। वो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ वो संविधान के तहत क्या हैं, वो हैं आज कल और परसों देश भारत के सभी 747 जनपदों में जिला मुख्यालय पहुंचकर आपको डीएम को ज्ञापन देना है, मांग पत्र देना है। पूरे देश में मैसेज कर दिया गया है, डेटें निश्चित हो गई हैं, 26, 27, 28 मई 2020 इन तीन दिनों में हमें उत्तर प्रदेश व पूरे भारत के सभी जनपदों में जिला अधिकारी को ज्ञापन मांग पत्र देना है। अगर जिला अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो ADM, CDO, SDM तक को हमें दे देना है। ज्ञापन एक तरह का ही होना चाहिए ताकि लोगों में, पूरे देश में मैसेज ये जाए कि सभी बौद्ध एक हैं और सभी एक धारा में काम कर रहे हैं। ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा जन आंदोलन से क्या फायदे होंगे और इस संस्कृति की, बौद्ध संस्कृति की, सभ्यता की, दर्शन की रक्षा हम कैसे कर पाएंगे, ये निर्णय लेने के लिए हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं और जैसे ही कुछ निर्णय ले पाएंगे हम आपको तुरंत बताएंगे। तब तक मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग भारत के सभी जनपदों के मुख्यालयों पर DM को ज्ञापन दीजिए, 26, 27, 28 मई 2020 इस काम को आप करिए, फिर मैं आपके बीच में आता हूँ और कुछ इस आंदोलन से जुड़ी नई जानकारी लेकर आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।